जय हिंद डियर स्टूडेंट। एसर्शन रीजन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। एसर्शन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी इज मोर ऑफ हीलियम गैस देन फॉर हाइड्रोजन गैस। रीजन क्या दे रहा है इसके पीछे कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। बेटे जैसे ही आप हीलियम गैस देखते हो, ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है तो वहां एटम है, तो वहां पर आप क्या देखते हो कि सब के सब कैसे हैं, वो मोनोएटॉमिक गैस है। तो ये कौन सा गैस है बेटे, मोनोएटॉमिक गैस है, ये मोनोएटॉमिक गैस है। हाइड्रोजन कैसा गैस है बेटे, ये डाइएटॉमिक गैस है, तो डाइएटॉमिक गैस है ये। तो डाइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बताइए, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटे, तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू कितना होता है 3। और जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है, ये डाइएटॉमिक गैस है बेटे, तो जब ये डाइएटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू कितना होता है 5 होता है। तो कह रहा है कि इसका सीपी और सीवी का रेशियो इस वाले का निकालो, पहले इस वाले का निकाल लो, तो गामा इसका डिग्री ऑफ गामा की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1+2/f होता है, 1+2/3 ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। इसका अगर आप गामा निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1+2/f होता है, और 1+ और ये कितना होगा 2y, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 है तो ये कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.6, इसको डिवाइड करोगे तो 1.4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये वाला तो मोनोटॉमिक है और ये वाला डाइएटॉमिक है, तो यहां पर देखो कह रहा है कि हीलियम का ज्यादा है हाइड्रोजन से, हीलियम का देखो इधर, द एसर्शन ऑफ सीपी अपॉन सीवी इज मोर ऑफ फॉर हीलियम, हीलियम का ज्यादा है ये सीपी अपॉन सीवी, क्योंकि गामा ही बेटा सीपी अपॉन सीवी होता है, गामा सीपी अपॉन सीवी होता है। जो गामा है इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसी को गामा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गामा बोलते हैं। तो कह रहा है कि हीलियम का गामा ज्यादा है हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस की गामा से, तो हाँ ज्यादा तो है, ये 1.6 है, ये 1.4 है, तो मेरा सर्शन तो करेक्ट हो गया, सर्शन मेरा करेक्ट हो गया। रीजन चेक कर लेते हैं, कह रहे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास, कह रहा है हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है, कह रहा है इज मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, कह रहा हाइड्रोजन से, ये हीलियम का एटॉमिक मास हो गया, और हाइड्रोजन का अगर निकालें H2 का निकालें तो 2 होता है। तो कह रहा है कि हीलियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन गैस के एटॉमिक मास से, हाँ ज्यादा तो होता है, ज्यादा होता है, तो ये भी सही हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या ये जो कह रहा है क्वेश्चन में कि हीलियम गैस का जो गामा है वो ज्यादा है हाइड्रोजन गैस से, क्या उस चीज को ये एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, उसका दूर दूर से इस चीज इससे कनेक्शन ही नहीं है। ये मास के बारे में बात कर रहा है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट के रेशियो के बारे में बात कर रहा है, मतलब और जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट मास से एकदम बिल्कुल फ्री होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है उससे मास का कोई लेना देना ही नहीं है, मास से बिल्कुल फ्री होता है, इंडिपेंडेंट टू द मास होता है, जबकि ये मास के बारे में बात कर रहा है, मोलर मास के बारे में बात कर रहा है, और ये टू रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, तो इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन ये दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो इसका क्या हो जाएगा कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही है।